न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। रेवाड़ी जिला के औद्योगिक क्षेत्र बावल स्थित संगवाड़ी में यूनी प्रोडक्ट कंपनी में पिछले कई वर्षों से कार्यरत बड़ी संख्या में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को कंपनी प्रबंधन ने अपने कथित तानाशाही रवैये के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो पिछले 9 दिनों से कंपनी गेट पर धरने पर बैठे हैं। और जब इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज आखिरकार कंपनी से निष्कासित इन कर्मचारियों ने 15 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर कंपनी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और आ पहुंचे रेवाड़ी के जिला सचिवालय में जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने, जहां इन कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंप कर कहा कि सभी के घर दिवाली तो इनके घर काली दिवाली क्यों। उन्होंने उपायुक्त से अपील की कि उन्हें कंपनी में फिर से काम पर रखवाया जाए ताकि वे भी अपने घर में खुशियों के दीप जला सके। तो आइए क्या कहना है इन कर्मचारियों का सुनते हैं। अरे भाई सुनो, एक मिनट। पहली बात तो यह है, सबने शांति का दान देना है। एक मिनट, ये आ गया और भी आ रहा है। आ जाओ दुकान, रास्ता थोड़ा लंबा बना लो, खड़े मत हो, लंबा बैठता चल जाओ, बैठता चल जाओ, लंबा बैठता चल जाओ, लंबा लाइन में, लाइन में ऐसे लंबा हो जाओ, लंबा हो जाओ, ये ठीक है ना? क्या पार्किंग है? क्या पार्किंग बैठ जाओ, ठीक है ना? भाई हमारा संघर्ष करना शौक नहीं है, बात आपकी ठीक, परंतु हम सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक सद्भावना सबके साथ रखते हैं, भला बुरा में सबके साथ है। तो आज एसपी रेवाड़ी, उनके फादर की डेथ होगी 2 दिन पहले, आज उनकी तेरवी गई है, उनकी दिनवाड़ी गई है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इसलिए सभी साथी 2 मिनट होकर मौन ध्यान करें, सभी साथी खड़े होकर। इधर आ जाओ सारा मोटा, इधर चढ़ जाओ आराम। अब सभी साथियों से ये भी अवसर है कि डीसी साहब, एसपी साहब के लोग आ रहे हैं, उनको सांत्वना देने के लिए, उनके फादर को सांत्वना, उसके लिए एसपी साहब, तो इसलिए सभी रास्ता में ना बैठे, सभी साथी शांति बनाए, रास्ता में कोई ना बैठे। रही बात, या आज हम रास्ते में यहां से आ रहे थे, पीडब्ल्यूडी में सभी अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी, राव इंद्रजीत जो हमारे स्थानीय नेता हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, उससे भी हम ज्ञापन देने की कोशिश करते थे आज, परंतु पहले हमने उचित समझा कि प्रशासन को ज्ञापन दे। तो हमारी जितने भी यहां साथी खड़े हैं, सीआईडी पर्सन खड़े हैं, या प्रशासन के जो भी अधिकारी या प्रशासन के अंदर खड़े, उनसे निवेदन है, हम डीसी से नीचे किसी को ज्ञापन नहीं देंगे, ठीक है बात? हम ज्ञापन डीसी साहब को देंगे, उसके बाद आज ये ना सोचे प्रशासन
की ज्ञापन देने के बाद शांत हो गए। कल हम यहां के तीनों प्रतिनिधि को ज्ञापन देंगे। देवाड़ी एमएलए, कौशल एमएलए और राव इंद्रजीत की कोठी पर राम राव, ठीक है बात, राम राव को बनो बाबा आश्रम, कल वहां ज्ञापन देंगे। यदि फिर भी प्रशासन में दबाव नहीं पड़ा, प्रशासन यही मैनेजमेंट के साथ खड़ा रहा, तो हम दिवाली नहीं मनने देंगे। हम तीनों प्रतिनिधि के, हम रेवाड़ी के तीनों प्रतिनिधि के गेट का आगे बैठेंगे, एंट्री नहीं होने देंगे, इनकी दिवाली के लिए घर में एंट्री नहीं होने देंगे। हमने कुछ भी करना पड़ जाए, दो दिन का टाइम, दो दिन आज 10 है, 9 है, 10 और 11 इनका है, 12 तारीख अनिश्चितकालीन, हम इन मंत्रियों की को इनके घर के आगे बैठे, 11 तक 12 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर जब तक दिवाली चाले तब तक इनका आगे बैठे रहेंगे, इनको घर में नहीं बनने देंगे। यदि या तो हमारी बात सुनेगा, हमारी बात का ध्यान रखेगा और इन बेरोजगारों को लिए काम कराएगा, तब प्रतिनिधि माना जाएगा, ठीक करे आप। आज हम आपके बाद, आज हम प्रशासन को बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को अपने, हम पिछले 9 दिन से बैठे हैं, प्रशासन का कोई आदमी नहीं गया, किसी ने हमारी सुध बुध नहीं ली, जितने भी मीडिया प्रभारी खड़े पूरा मतमानियों, एक दिन छोटी सी खबर खाटने के बाद। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।